जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। झांसी में इनकम टैक्स की टीम को डेरा डाले हुए चौथा दिन हो रहा है। चौथे दिन इनकम टैक्स की टीम ने क्षेत्रीय पार्षद और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में सीए दिनेश सेठी के घर का ताला तोड़ा और छानबीन शुरू कर दी। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह इनकम टैक्स की टीम झांसी आई थी। टीम ने झांसी जिले के नामी गिरामी बिल्डर, व्यापारी और कारोबारियों के घरों में छापामार कार्रवाई की, जिसमें कई घर से चांदी मिली तो कई घर के नकदी मिली, जिनका हिसाब लिया जा रहा है। वहीं जानकीपुरम में रहने वाले सीए दिनेश सेठी तभी से गायब चल रहे थे और इनकम टैक्स की टीम उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन वह घर नहीं पहुंच रहे थे। टीम ने अपने उच्चाधिकारियों से घर का ताला तोड़ने की इजाजत मांगी थी। इजाजत मिलने के बाद शनिवार को टीम ने क्षेत्रीय पार्षद विकास खत्री और प्रशासनिक अमले के सामने का घर का ताला तोड़ा। इसके बाद घर में आकर छानबीन करते हुए तलाशी शुरू कर दी है। झांसी से दीपक चंदेल के साथ ऋषभ यादव की रिपोर्ट। अभी उनकी कार्रवाई शुरू हुई है। चाबी अभी ताले बनाने वाले आए हैं, चाबी बनाने वाले, तो चाबी बना रहे हैं। करीब है 15 लोग की टीम है अंदर। अभी केवल अंदर के कमरे खुले हुए हैं, मेन गेट का ही मिलाया है, और भी कुछ अलमारी बंद है, वो खुल रहा है। अभी ऐसा नहीं। दिनेश सेठी जी, सीए साहब दिनेश सेठी।